नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत। बीए थर्ड ईयर में हम अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम अभिज्ञान शकुंतलम के दो अंक पढ़ चुके हैं, जिसमें मंगलाचरण से शुरू करके सूत्रधार जो है सबके सामने मंच पर अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के बारे में प्रस्तावना बताता है कि हमें अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को आज मंच पर किया जाना है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ शीर्ष के फूलों का और वातावरण का वर्णन, इसके बाद राजा दुष्यंत मंच पर प्रवेश अपने सारथी के साथ एक मृग का पीछा करते हुए करते हैं, और मृग का पीछा करते करते वो कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला तथा उसकी सहेलियां अनसुया एवं प्रियंवदा, इन तीनों को वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे पौधों को जल सिंचन का कार्य कर रही हैं, और देख करके कण्व ऋषि के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो बहुत ही जो है मूर्ख हैं, जिन्होंने इतनी सुकुमार कोमल कन्याओं को वृक्ष सिंचन रूपी मुश्किल कार्य में लगा रखा है। और उनके इस कार्य को देखते हुए, उनकी सुंदरता पर मुख्य रूप से शकुंतला के प्रति उनकी आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उनसे प्रणय मन ही मन करने लगते हैं, और पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मानस और हृदय पूरी तरह से उनका गवाही देने लगता है। और भ्रमर एक परेशान करता हुआ जब शकुंतला की तरफ आता है, तो सखियां मजाक में उनसे बोलती हैं कि जो है अब इस भ्रमर से पीड़ित की जा रही हो, हम तो बचाने वाली कौन है, तो यहाँ के जो नगर के राजा दुष्यंत हैं उन्हीं को आवाज़ लगाओ। तो राजा सोचते हैं मन ही मन कि ये अब अपने आप को प्रकट करने का उचित अवसर है, तो मैं अपना परिचय, वास्तविक परिचय न देकर के भ्रमर के बहाने शकुंतला के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो वो वृक्षों की ओर से जो देख रहे होते हैं, तो बाहर निकल करके और शकुंतला और उनकी सखियों से मिलते हैं, और शकुंतला के बारे में सखियों से प्रश्न करते हैं कि ये अगर आपको बुरा नहीं लगे तो पूछना चाहता हूँ। शकुंतला जो है अभी किसी से विवाह करेगी या जीवन भर जो है आश्रम में ही निवास करेगी? उनसे पता चलता है, राजा को सखियों से, कि शकुंतला कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री है। वो वास्तव में विश्वामित्र और अप्सरा सानुमति, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न उनकी संतान है। त्याग दी जाने के कारण कण्व ऋषि को ये संतान के रूप में प्राप्त हुई है। तो राजा ये सुनकर के बहुत प्रसन्न होता है। जो उसका संदेह था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी ऋषि कन्या जो है तो मैं इससे विवाह कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे अपने मन पर, अपने हृदय पर, आत्मा पर पूरा विश्वास होता है कि जो मेरा मन कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। और यही होता है, जो सुनना चाहता था वो सखियों से सुन लेता है। उसके बाद उसकी आसक्ति धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। इधर शकुंतला भी राजा दुष्यंत पर पूरी तरह से आसक्त है, मोहित है। सखियां जब शकुंतला से पूछती हैं कि क्या आपकी, तुम्हारी ये दशा कैसी है, तो क्यों है, पहले तो शकुंतला संकोचवश बताती नहीं है, बाद में कहती है कि ठीक है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी तब तक मेरी पीड़ा जो है वो सहन करने योग्य कैसे होगी। तो वो जो है दुष्यंत के प्रति अपनी आसक्ति को प्रकट करती है सखियों के सामने, और फिर सखियां देखती हैं कि शकुंतला बहुत ही मन ही मन बहुत उदास रहने लगी है। वो राजा दुष्यंत को याद कर रही है, तो कैसे जो है इसकी इस मनोव्यथा को, मानसिक पीड़ा और इसकी प्रेम पीड़ा को
राजा दुष्यंत तक पहुंचाया जाए। दोनों विचार करती हैं तो प्रियंवदा कहती है कि सखी ऐसा करते हैं, इससे एक प्रेम पत्र लिखवाते हैं और जिसे फूलों में छिपा करके प्रसाद के बहाने मैं राजा दुष्यंत के पास पहुंचा दूंगी। तो अनसुईया कहती है रोस्ते में इस कुमारिया प्रयोग है, तुम्हें तुम्हारा यह प्रयोग जो है तो उपाय मुझे अच्छा लगा। अथवा फिर शकुंतला क्या कहती है, तो शकुंतला कहती है कि मैं तुम्हारी किस बात को टालती हूँ, कभी भी नहीं। प्रियंवदा कहती है तो फिर कोई आत्मनुपन्यास पूर्व चिंतित तावत अपना नाम का उल्लेख करते हुए किमपि ललित पद बंधनम, कुछ सुंदर पद रचना सोचिए। शकुंतला कहती है हला सखी चिंतयामि अहम, मैं सोचती हूँ अवधीर्णा भीरुकम पुनः वेपते में हृदयम, लेकिन अवधीर्णा भीरुकम अपमान के डर से मैं हृदयम, मेरा हृदय वेपते कांप रहा है। राजा सहर्षम हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ कहता है अयम स ते संगम उत्सको, अयम सत्य तिष्ठति संगम उसको विशंस से भीरु यतो अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थिता नैवाश्रियम श्रिया दुरापय कथम इप्सितो भवेत। कहते अयम स यह वह ते तुमसे संगम उत्सको तिष्ठति मिलने के लिए उत्कंठित खड़ा है, संगम मिलने के लिए उत्सुक उत्कंठित तिष्ठति खड़ा है, विशंक से शंका कर रही हो, भीरु संबोधन है हे डरपोक यतो जिससे अवधीर्णाम अपमान की। तो भीरु को यहाँ से हम निकाल लेंगे, संबोधन है कि हे भीरु हे डरपोक यतो अवधीर्णाम विशंक से, जिससे तुम अपमान की आशंका कर रही हो कि कहीं तुम्हारा अपमान नहीं हो जाए, तो अयम स यह वह दुष्यंत जिससे तुम प्रेम करती हो, यह वह दुष्यंत ते संगम उत्सको तिष्ठति तुम्हारे लिए मिलने के लिए उत्कंठित खड़ा है। लभेत वा प्रार्थिता नैवाश्रियम, लभेत वा नैवा प्राप्त हो या ना हो, श्रियम श्रिय को चाहने वाले को, प्रार्थिता प्रार्थना करने वाला चाहने वाला, तो लक्ष्मी को चाहने वाला श्रियम लक्ष्मी को प्रार्थिता चाहने वाला उसको लक्ष्मी लभेत नैवा, लक्ष्मी हो सकता है मिल भी जाए और नहीं भी मिले, लेकिन श्रिया लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थियता चाहा गया कथम दुरापह भवेत, कैसे दुरापह भवेत कैसे दुर्लभ हो सकता है। श्रिया इप्सित है, यहाँ श्रिया दुरापह कथम इप्सितो भवेत, इप्सितो को निकाल लेंगे, श्रिया इप्सित है लक्ष्मी द्वारा चाहा गया, जिसे लक्ष्मी खुद चाहती है वो कथम कैसे दुरापह भवेत कैसे दुर्लभ हो सकता है, लक्ष्मी द्वारा चाहा गया तो लक्ष्मी को मिलेगा ही मिलेगा, और लक्ष्मी जिसे लक्ष्मी को जो चाहता है उसे हो सकता है लक्ष्मी मिले या न मिले। अर्थात मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ तैयार खड़ा हूँ, तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझे चाहिए। शकुंतला कहती है वो दुष्यंत जो है अभी ये मन ही मन सोच रहा है, वृक्षों की ओट में से सब देख रहा है। शकुंतला मुस्कुरा कर कहती है नियोजित इदानीम इति पुष्कर चिंतयती, कि ठीक है मैं अब जो है पत्र रचना में लगती हूँ, लिखने में लगती हूँ, तो इति उपविष्टा ऐसा बैठ करके वो फिर चिंतयती सोचती है। राजा कहता है स्थानिक खलु विस्मृत निमेशन चक्षुषा प्रियाम अवलोक्यामि, स्थानिक खलु कि ये उचित स्थान है अवसर है, विस्मृत निमेशन बिना छपकाए दृष्टि से दृष्टि वाली नैनों आंखों से प्रियाम अवलोक्यामि प्रिया को देखूंगा, कि अब मैं विस्मृत निमेशेन चक्षुषा बिना पलक झपकाए नेत्रों से प्रियाम अवलोक्यामि प्रिया शकुंतला को देखूंगा, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सुंदर अवसर है। यतः क्योंकि उन्मित एक भ्रूलतम आननम अस्या पदानी रच्यंत्या कंटिकेतेन प्रथ्यति मई अनुरागम कपोलेन, उन्नमित ऊपर उठी हुई एक भ्रूलतम एक भोरूपी लता, ऊंची उठी हुई एक भोरूपी लता वाला आननम अस्या, अस्या आननम इसका मुख, इस शकुंतला का मुख जिसमें
एक भों रूपी लता, देखो उसकी जो भों है आंखों की, उसको लता की उपमा दी गई है। भों रूपी लता, जो कि एक भों रूपी लता ऊंची उठी है। जब व्यक्ति सोचता है ना, आंख एक आंख जैसे ऊपर उठ जाती है, एक आंख ऊपर उठेगी तो जो पलक के ऊपर जो उसकी भों है ना, वो भी ऊपर उठेगी। तो ऐसी इसका रचयंत या पदानी रचयंता पदों की रचना करती हुई, अस्या इसका, अस्या आननम अस्या, देखो भ्रू लतम आननम अस्या, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो पदानी रचयंत्या पदों की रचना करती हुई, शब्दों की रचना करती हुई, प्रेम पत्र लिखती हुई अस्या इस शकुंतला का उन्मित एक भ्रू लतम, ऊंचा उठी हुई एक भों रूपी लता वाला आननम मुख, कंटकितेन कपोलेन, रोमांचित कपोल के द्वारा, रोमांचित हुए गाल के द्वारा, मई अनुरागम प्रत्यति, मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। मई अनुरागम, मेरे प्रति अनुराग को प्रत्यति प्रकट कर रहा है। तो मैं इस प्रकार से शकुंतला को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। आगे शकुंतला कहती है, हला सखी चिंतितम मया गीत वस्तु, मैंने गीत वस्तु, मैंने पद रचना सोच ली है। असनिहतानी पुनः लेखन साधनानी, लिखने के साधन लेकिन यहाँ पर नहीं है। प्रेमवदा कहती है, तस्मिन शुकोदर सुकुमार नीलिनी पत्रे नखी निक्षिप्त वर्णम करूँ, कि तस्मिन इस शुक उदर तोते के पेट के समान सुकुमार कोमल नलिनी पत्रे कमलनी के पत्ते पर नखी अपने नाखूनों से निक्षिप्त वर्णम करूँ, वर्णों को निक्षिप्त रखना, कुरु करना, तो वर्णों को करो यानी इससे लिखो, अपने नाखूनों से लिख दो इस पत्ते पर। शकुंतला कहती है, हला सखी इष्णु तो इदानीम संगतार्थम नैवा, कि ठीक है यथोक्तम रूपयुत्या, जैसे पहले ब्रैकेट में दे रखा है कि वैसा ही करके, यानी कि लिख करके, कहती सखी सुनो तो ये जो है अब सही है या नहीं, इसका अर्थ ठीक है या नहीं। दोनों कहती हैं, अब हित स्व, हम दोनों सावधान है, सुन रही हैं। शकुंतला वाचियति, शकुंतला पढ़ती है, क्या बोलती है, तब न जाने हृदय मम पुनः कामो, दिवा अपि रात्रव अपि निर्घृण तपति, बलि है तवि वृत मनोरथा या अंगानी। तब न जाने हृदय, तब हृदय न जाने, तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, पुनः लेकिन कामो काम देव, दिवा अपि रात्रव अपि, दिन में भी रात में भी, निर्घृण तपति, तपति तपा रहा है, निर्घृण को अलग रखेंगे, बलिये बलपूर्वक तपा रहा है, तवि वृत्त मनोरथाया अंगानी, कामदेव बलपूर्वक तपा रहा है, किसको तपा रहा है, अंगानी, मेरे शरीर के अंगों को, जो कैसे हैं, तवि तवि वृत्त मनोरथाया, तुम्हारे मनोरथ में लगे हुए, तवि तुम्हारे प्रति, वृत्त मनोरथाया तुम्हारी ही अभिलाषा में लगे हुए, मम मेरे पुनः अंगानी, कामदेव मेरे अंगों को, दिवापि रात्रु अपि बलिये तपति। तो निर्घृण जो शब्द छोड़ा था मैंने, ये संबोधन है, इसे संबोधन में लेंगे हम, कि हे निर्घृण, हे निर्घृण, हे निर्दयी, तब हृदयम न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम कैसे हो, मुझे प्रेम करते हो या नहीं करते, लेकिन तविवृत मनोरथाया, तुम्हारे प्रति लगी हुई अभिलाषा वाले, इच्छा वाले, मम पुनः अंगानी, मेरे अंगों को, मेरे शारीरिक शरीर को, काम है कामदेव, दिवा अपि रात्रौ अपि, दिन और रात दोनों में ही बलिय तपति, बल पूर्वक तपा रहा है। इस तरह से वो पद रचना करती है राजा के लिए। राजा सहसा उपसृत है, सहसा पास जाकर अचानक से ही राजा चला जाता है, जो कि छुप करके सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है। राजा सहसा समीपम पास जाकर राजा कहता है, तप्ति तनु गात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनः दहति एव गलप्यति यथा शंकम न तथा ही कुमदवती दिवस है। तप्ति तपा रहा है तनु गात्री, हे पतले शरीर वाली, मदन है कामदेव, त्वाम तुमको, तनुगात्री निकालेंगे, संबोधन है, हे तनुगात्री मदन है कामदेव, अनिशम त्वाम तप्ति, निरंतर
अनिशम निरंतर, निरंतर यानी रात दिन लगातार, त्वाम तप्ति तुमको तपा रहा है, कामदेव निरंतर तुमको तपा रहा है, माम पुनः दहतिये, माम पुनः दहतिये, पुनः लेकिन माम दहतिये, मुझे तो जलाए ही डाल रहा है, मुझे तो जला ही रहा है। तो दिवस है दिवस दिन यथा शशांकम गल्प्यति, जितना चंद्रमा को मलिन बनाता है तथा कुमुदवती न उतना कुमुदनी को नहीं। दिन जितना चंद्रमा को मलिन करता है उतना कुमुदनी को नहीं। कि कैसे दिन में हम देखते हैं कि चंद्रमा का हमें अस्तित्व ही नजर नहीं आता, हालांकि चंद्रमा आकाश में होता है लेकिन ऐसा लगता है चंद्रमा जैसे है ही नहीं, चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं है। और रात्रि में चंद्रमा पूरी तरह से नजर आता है, रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है, तो दिन में चंद्रमा का अस्तित्व जैसे नजर ही नहीं आता, लेकिन कुमुदनी जो है दिन में फिर भी दिखाई देती है, भले ही वो मुरझाई हुई अवस्था में हो। मुरझाई हुई जरूर होती है लेकिन ऐसा लगता है कि अभी उसके अंदर जान है, उसका अस्तित्व अभी कायम है, लेकिन चंद्रमा तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से राजा यहाँ ये कहना चाहता है कुमुदनी कौन है शकुंतला और चंद्रमा कौन है दुष्यंत, कि मेरा तो जैसे अस्तित्व ही खत्म हो गया है ऐसा है, और तुम फिर भी कुम्हलाई हुई कुमुदनी की तरह से, तुम्हें तुम्हारा शरीर सिर्फ तप रहा है, और मुझे जो है मेरा प्रेम भावना तुम्हारे प्रति लगे हुए जो मेरी आसक्ति है उसको वो मुझे जलाए डाल रही है, मुझे दहती, देखिए दहती शब्द यहाँ राजा दुष्यंत के लिए आया है और तपती शब्द जो है वो शकुंतला के लिए, तपने में अस्तित्व रहता है और जलने में अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा अपनी व्यथा का भी वर्णन करता है, अपनी पीड़ा का वर्णन करता है। दोनों सखियाँ विलोक्य देखकर सहर्षम उत्थाए, बड़े ही प्रसन्नता से उठ करके स्वागतम अविलंबिनो मनोरथ मनोरथस्य, कि अविलंबिनो मनोरथस्य शीघ्र ही प्रकट हुए मनोरथ का स्वागत है, मनोरथ का यानी मनोरथ स्वरूप, इच्छा स्वरूप जिसे हम चाह रही थी वो राजा दुष्यंत अचानक से शीघ्र से प्रकट हो गए हैं, आपका स्वागत है। शकुंतला भी उत्था तुम इच्छति, शकुंतला उठने का अभिनय करती है, खड़ी होना चाहती है। राजा अलम अलम आयासीन कि मत उठिए, आप उठना व्यर्थ है, आप नहीं उठ पाएंगी। राजा कहता है कष्ट मत कीजिए। संदष्ट कुसुम शैनानी आशुकलांत विषभंग सुरभिनी गुरु परितापानी न ते गात्रानी उपचारम अरहंती, ते गात्रानी तुम्हारे शरीर के अंग, देखो यहाँ ते गात्राणी शब्द आया है, गात्र नहीं आया, गात्र होता है शरीर और गात्राणी बहुवचन है, गात्र एक वचन है, गात्रानी बहुवचन यानी शारीरिक अवयव शरीर के अंग, उपचारम शिष्टाचार के लिए न अरहंती योग्य नहीं है, तुम्हारे शारीरिक अंग शिष्टाचार के योग्य नहीं है। कैसे हैं तुम्हारे शारीरिक अंग, गुरु परितापानी, जो गुरु मतलब, गुरु का मतलब यहाँ अत्यधिक से है, अत्यधिक परिताप यानी संतप्त हैं। और कैसे हैं तुम्हारे शरीर के अंग, संदिष्ट कुसुम शैनानी, जिस पर संदष्ट चिपके हुए हैं कुसुम शैनानी फूलों के, शैयानानी का मतलब यहाँ वैसे तो जो है शैया से है, फूलों की शैया यानी फूलों की शैया पर वो सोई हुई थी, फूलों की शैया जिसके शरीर से चिपकी हुई है यानी फूल जो शैया पर बिछे हुए थे, वो फूल जिसके शरीर पर चिपके हुए हैं। आ शुक्लांत, देखिए संधि कर लेंगे यहाँ, आ शुक्लांत विष भंग सुरभिनी, आ शुक्लांत शीघ्र ही विष कमलनाल भंग टूटने से, शीघ्र ही कमलनाल के टूटने से यानी कि उसमें जो फूल बिछे हुए हैं शैया पर, कमलनाल भी है साथ में, कमलनाल के टुकड़ों से सुरभिनी सुगंधित, चूँकि शकुंतला उस पर लेटी हुई है तो वो फूल हैं चाहे, और कमल के गुलाब के और कमल के जो कमलनाल है उसकी वो कमलनाल के टूटने से उसके टुकड़ों से सुरभिनी सुगंधित हुए। और कैसे गुरु परितापनी अत्यधिक संतप्त, ते गात्रानी तुम्हारे शरीर के अंग उपचारम नहरंती,
उपचार के योग्य नहीं, उपचार मतलब शिष्टाचार के योग्य नहीं है, इसलिए आप मत उठिए, बैठी रहिए, आप लेटी रहिए। तो इस तरह से राजा दुष्यंत शकुंतला से बात करते हुए अपने आप को प्रकट करता है। अब आगे अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।